हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, एक छोटा सा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। इनफैक्ट दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताए थे जिनको आप 20 से 30 हजार रुपए में शुरू कर सकते थे। एंड उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई भी एक बिजनेस पसंद आता है, इनमें से जो भी बिजनेसेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, उन पर आप कमेंट करिएगा कि आपको डिटेल में उसके लिए वीडियो चाहिए। सो इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सर, पराठा जंक्शन के बारे में बताइए, पराठे के बिजनेस के बारे में बताइए कि हम कौन कौन से तरीके के पराठे रख सकते हैं, किस तरीके के से पराठे को बनाना है, हम अपने काम को कैसे आसान कर सकते हैं, पराठे के बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, और एक छोटा सा कार्ड लगाकर हम कैसे मल्टी मिलियन कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम फ्रोजन पराठे का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हम मशीन्स कौन कौन सी लेनी चाहिए इसके लिए, और हम इस बिजनेस को कम पूंजी में कैसे शुरू कर सकते हैं। इस तरीके के जितने सवाल आपके मन में आते हैं, उन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और साथ ही में दोस्तों, ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाने वाला हूं जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और साथ ही में देखिए, आज की डेट में जो लड़कियां हैं, अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो भैया मुझे बहुत खुशी होती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए, क्योंकि आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं रहेगी। और अभी आप ये जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था प्रियंका पटना की, प्रियंका चाय वाली के ऊपर, कि उसने पटना में 30 से 40 हजार रुपये में अपना चाय का बिजनेस शुरू करके इतनी फेमस हो गई और इतना अच्छा पैसा कमा रही है। और साथ ही में आज मैं जो वीडियो क्लिप्स आपको दिखाना हूँ, उसमें भी लड़कियां फीमेल्स जो हैं वो अपना पराठे का धंधा कर रही हैं, कार्ड लगाकर कर रही हैं। तो यार, आपको काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। मेरे जो भी भाई काम करने में शर्म करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, अपनी शर्म को जितनी जल्दी आप खत्म कर दोगे, उतनी जल्दी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप समाज के धक्के खाते रहोगे ना, और जब तक आप ये सोचते रहोगे कि नहीं यार, ये बिजनेस छोटा है, ये काम छोटा है, तब तक आपको मतलब आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाओगे। आपको अपनी शर्म हटानी पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदार मुझे ताने देंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, तो आप अपनी सिटी से दूर चले जाओ और अब जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर करो, क्योंकि आपको जिंदगी में काम तो करना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते, ये जीवन की सच्चाई है। सो जितनी जल्दी आप इसको कर लेंगे, उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आज की वीडियो में दोस्तों, मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूं। इनफैक्ट दोस्तों, यूट्यूब पे आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, आधी इन्फॉर्मेशन किसी ने बताई है, आधी नहीं बताई है। सो आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखते हैं, तो आप पराठा बिजनेस की ए टू जेड जानकारी जान जाएंगे, आप इसके बारीक पॉइंट जान जाएंगे, आप इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये जान जाएंगे, कहां पर हमारी गलती होती है ये भी जान जाएंगे, कौन से लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं आप ये भी जान जाएंगे। और साथ ही मैं आपको ये जो मोटिवेशनल वीडियोस में आपको क्लिप्स दिखाने वाला हूं, वो आपको काफी कुछ सिखाकर जाने वाले हैं। तो सारी बातें जानने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, मेरे वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं, बट उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खुद मेरे वीडियोस जो है वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, एंड लंबी वीडियोस पे व्यूज डेफिनेटली कम आते हैं क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। बट मैं अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए जो बिजनेस आइडियाज मैं बता रहा हूं, उसको मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मुझे बतानी ही पड़ेंगी, एंड वो चीजें मैं इसलिए भी कवर करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका जितना ज्यादा काम आसान कर सकूं उस वीडियो में, वो मैं कर सकूं। क्योंकि मैं वहां पर आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं, रॉ मटेरियल भी बता देता हूं, मशीन्स भी बता देता हूं, इक्विपमेंट्स भी बता देता हूं, क्या क्या चीजें आपको लेनी चाहिए, पैकिंग मटेरियल आपको कौन सा यूज करना चाहिए। इनफैक्ट ये सारी चीजें भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट ये वीडियो वही लोग एंड तक देखेंगे जिनको डेफिनेटली कुछ करना है जिंदगी में और कुछ सीखना है। आप पराठा बिजनेस करिए, आप कोई भी फूड बिजनेस करिए, इनफैक्ट आप किसी भी तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है। साथ ही में दोस्तों, अगर मैं वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बनाता, तो वीडियोस को मैं शॉर्ट करता जाता, मेरे लिए बिजनेस आइडिया समझाना मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर सिर्फ एक ही चीज करती कि वीडियो को मैं 10 से 12 मिनट में खत्म कर दूं मैक्सिमम, बट उससे कुछ होगा नहीं, उससे आप लोगों का नुकसान होगा। आप बिजनेस आइडिया आपको मिल जाएगा, आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ मेरे भाई उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उनको बिजनेस शुरुआत करने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। व्यूज थोड़े से कम आ जाए, बट जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो एटलीस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ले पाए। सो इसलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियोज को बनाने के लिए, अपने किसी भी बिजनेस आइडिया को समझाने के लिए बहुत ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन लेता हूं, डीप सर्च करता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट लेता हूं, एंड कुछ उन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं जो वो बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं इस पराठा बिजनेस के रिसर्च कर रहा था, सो मैंने काफी ऑनलाइन पोर्टल से भी पराठे को ऑर्डर किया है, पराठे काफी सारे पराठों को मैंने ट्राई किया है। इसके अलावा मैंने ऑफलाइन भी जो लोग बेचते हैं कार्ट्स में, शॉप्स में, उनके पास जाकर भी ट्राई किया है, और काफी कुछ चीजें देखी मैंने और काफी कुछ समझा। और मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं, जब मैं एक वीडियो बनाने के लिए इतनी रिसर्च कर सकता हूं जिसमें मेरा पैसा नहीं लग रहा है, मेरे कुछ एक एफर्ट्स लग रहे हैं, बस अपने एफर्ट्स मैं सही से लगा पाऊं और आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, उसके लिए मैं इतनी रिसर्च करता हूं, मेहनत करता हूं, सो आप लोगों का तो पैसा लगने वाला है। सो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस करने वाले हैं, सो उसकी रिसर्च जरूर करो ऑनलाइन। वो अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, तो ऑनलाइन कौन लोग उसको सेल कर रहे हैं, किस तरीके से सेल कर रहे हैं, उसकी किस तरीके की पैकेजिंग है, क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, ये सब आपको जरूर से जरूर चेक कर लेना है।
इसके अलावा देखिए दोस्तों, बहुत सारे बहुत कम यूट्यूबर्स होते हैं जो ना बिजनेस की कमियां आपको बताते हैं, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आपको बताते हैं। सो अगर ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो आपको देखने को मिलती है ना, डेफिनेटली उनको सब्सक्राइब किया करो। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं बिजनेस की कमियां जरूर बताऊं। तो मेरे अलावा भी जो भी यूट्यूबर्स आपको राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिजनेस की कमियां भी बताते हैं, उनको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो आपको कभी ना कभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जरूर दे सकते हैं जिंदगी में। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और पराठा बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स बताऊं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आप इस बिजनेस को शुरुआत कर कैसे सकते हैं। देखिए, इस बिजनेस की शुरुआत करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला कि आप एक छोटा सा कार्ट लीजिए, अपना जो भी सबसे ज़्यादा आपके एरिया में चलने वाली जो एरिया हो आपकी सिटी में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्टमर्स होते हों शाम को सवेरे, आप वहाँ पर कार्ट लगा लो और अपने पराठे को सेल करना शुरू कर दो। सबसे सिंपल मेथड है, कम इन्वेस्टमेंट वाला मेथड है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा मेथड आता है आपका शॉप रेंट पर लेकर। अब शॉप में रेंट पर लेने के बाद आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कार्ट में आपको सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको कार्ट को लेकर जाना पड़ता है घर से, आपको कार्ट में सारी चीजों को सजाना पड़ेगा, सवेरे उठ के बनाकर सब कुछ उस पे रखना पड़ेगा, फिर उसको ले जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे जहां पर उसको आपको लगाना है। और ये एक हेक्टिक प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनकी लोकेशन थोड़ी सी दूर है और जिनको कार्ट को रोज मूव कर वहां पर ले जाना पड़ता है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर कार्ट लगा रहे हैं जहां पर आपको कार्ट को छोड़कर आना पड़ता है, सो वहां पर फिर आपको चीजों को बनाकर, आपने आलू का मिश्रण बना लिया, काफी सारी चीजें आपने बना ली, सो उसको आपको कार्ट में ले जाने में दिक्कत आ सकती है। बट ऐसी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जो आप कर ना पाए, आप ऑटो भी कर ले जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो शॉप का वाला मेथड थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको बस शॉप का ताला खोलना है, शटर उठाना है और वहीं पर जाकर काम करना है, जो कि इजी हो जाता है। आपको जो भी सब्जी आ रही है, जो भी सामान आप ला रहे हैं, सीधा शॉप पर लेकर ही जाना है, वहां पर ओपन करना है। और वहां पर सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, आपने अगर 7 बजे शॉप ओपन करी तो 8 बजे तक आपके ऑलमोस्ट आधे प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं, आपने कुछ एक मिश्रण बना लिए होते हैं। और अगर कस्टमर आता है तो आपका ऑर्डर खाली नहीं जाता, आपकी बोनी जल्दी हो जाती है। कार्ट में ये सीन नहीं होता, कार्ट आप जब लगाएंगे जाकर सेट करेंगे उसमें आपका टाइम लगेगा और उसके बाद फिर आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे चीजों को। बट शॉप में ऑलरेडी वहां पर सारा काम चल रहा है, प्री प्रिपरेशन हो रखी है, सो फिर जैसे ही ऑर्डर आता है तो आप सोचोगे यार किसी कस्टमर को क्यों वापस जाने देना, 2 आलू पराठे का ऑर्डर है, आलू का मिश्रण मेरा रेडी हो चुका है, आटा गूंद चुका है, तो चलो फटाफट बना के इसको दे देते हैं और आपकी बोनी हो जाएगी। सो ये फायदा शॉप में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो है क्लाउड किचन का, जो कि सबसे ज्यादा लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, क्योंकि यहां पर आपको कोई अलग से स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज की, तो यहां पर आप अपने घर की किचन से ही अपने पराठे का जंक्शन खोल सकते हैं, पराठा पॉइंट खोल सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल्स पर उसको लिस्ट कर सकते हैं। देखिए, घर में सबके ब्रेकफास्ट तो बनता ही है, सो आप अपने घर वालों के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाइए और साथ ही में किचन अपनी रेडी रखिए, और रेडी रखने के साथ साथ आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जोमेटो पे लॉगिन हो जाइए, स्विगी पे लॉगिन हो जाइए, और भी अगर आपके एरिया में कोई छोटे मोटे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है उन पर रजिस्टर हो जाइए, और ऑनलाइन आने के बाद जैसे जैसे आपके ऑर्डर आने लगे आप सेल कर सकते हैं। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको इसके लिए सामान क्या लेना पड़ेगा। क्लाउड किचन में तो ऑलरेडी छोटी छोटी चीजें घर पे होती हैं, आप उन्हीं बर्तनों को उन्हीं इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हैं। बट अगर आप बात करें हम कि आपको भैया कमर्शियल लेवल पे ही काम करना और आपके पास आप किसी ऐसी जगह पर खोल रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने वाले हैं, सो मैं आपको कुछ एक इक्विपमेंट्स और कुछ एक मशीन्स भी बताऊंगा जो आपके काम को डेफिनेटली आसान करेंगे। बट यहां पर हम बात करें 30,000 के अंदर शुरू करने की, तो फिर आपको शुरुआत में किसी भी मशीन को नहीं लेना है। इनफैक्ट जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के 6 से 8 महीने बाद जब आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएं, फिर आप मशीन्स ले सकते हैं। मैं आपको मशीन्स दिखाऊंगा, आटा गूंदने वाली मशीन भी दिखाऊंगा और साथ में आपको आलू छीलने वाली मशीन भी दिखाऊंगा, जो कि आपके काफी काम को आसान कर देगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पराठे रखने कौन कौन से। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको वीडियो में बता दूं कि आप 15 तरीके के पराठे रखिए, आप 20 तरीके के पराठे रखिए, फॉर श्योर आप रख सकते हैं। बट यहां पर आपको नहीं रखने हैं शुरुआत में। अगर आप नए हैं इस बिजनेस में तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ 4 पराठे रखने हैं, एक आलू का हो गया, एक प्याज का हो गया, एक मिक्स पराठा हो गया और एक आपका पनीर पराठा हो गया। ये 4 पराठे आपको रखने हैं। मेकिंग में आपको आगे दिखाऊंगा, मेकिंग में बहुत सिंपल, आपको 4 कंटेनर लेने और 4 मिश्रण सुबह ही तैयार कर लेना है और आटा आपको गूंद कर रख लेना है, और उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर आते जाए आपको बस मेकिंग करनी है और सर्व करना है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, यहां पर गेम है प्राइस का। जितना ज्यादा आपका प्राइस होगा आप उतनी अच्छी क्वालिटी यहां पर दे पाओगे। अब देखिए, काफी जगहों पर जब मैं गया तो आलू पराठा कहीं पर रिफाइंड तेल से बनता है, कहीं पर भैया घी से बनता है, कहीं बटर से बनता है और कहीं डालडा घी से बनता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपना पराठा आपके एरिया में कितने का बिकने वाला है। अब पराठे का जो प्राइस है इंडिया में वो एरिया टू एरिया डेफिनेटली बहुत ज्यादा वेरी करता है। मैंने जब इस बिजनेस की रिसर्च करने के लिए ऑनलाइन पराठे को ऑर्डर करा, सो जोमेटो से मैंने 2 पराठे ऑर्डर करे थे एक दिन सुबह मॉर्निंग में आलू के, सो उनका जो प्राइस मुझे कोट आया था वो था 117 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग डिलीवरी एंड ऑल। तो उसमें जो पराठे का जो सर्व करने का तरीका था वो काफ़ी अच्छा था,
और जो पराठा सर्व किया गया था जिन चीज़ों के साथ वो भी काफ़ी अच्छा था, अचार और हरी चटनी के साथ सर्व किया गया था, इसके अलावा कोई सब्जी वगैरह नहीं थी, बट वो चटनी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, पिकल सही तरीके से सर्व किया गया था और साथ में माउथ फ्रेशनर दिया था, साथ में एक नैपकिन था। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का आपको भी ध्यान रखना जब आप टेक अवे कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर एक टेक अवे की जब बात चली तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। देखिए डोमिनोज 49 प्लस टेक्सेस में अपना पिज्जा मेनिया स्टार्ट कर देता है, अनियन टोमेटो ये सब है ना। सो अब आप कहेंगे कि वो बहुत बड़ी कंपनी है, बट वो एक बॉक्स यूज करते हैं, यू नो फोल्डिंग वाला जो बॉक्स होता है, बहुत इजी रहता है पैकेजिंग के लिए। सो आप उस तरीके के बॉक्सेस को यूज कर सकते हैं टेक अवे ऑर्डर्स के लिए, पैकिंग ऑर्डर के लिए, और उसमें वो इतना बड़ा बॉक्स होता है कि उसमें आपके 4-5 पराठे आराम से पैक हो सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना कि आपको वो पिज्जा बॉक्स ले लेने हैं, आपको वो लोकल मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाते हैं, आप उन पिज्जा बॉक्सेस को ले लो। एंड इनफैक्ट उनको लाना भी बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि वो फ्लैट आते हैं, आपको बस उनको बेंड करके बॉक्स के शेप में लाना होता है, तो वो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा और उसमें पैकेजिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव और सुंदर भी लगती है। जब आपका काम चलने लग जाए तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लो अपने ब्रांड नेम के साथ, और अपना जो ब्रांड का लोगो हो या आपके जो शॉप का नाम हो उसको उन बॉक्सेस पे प्रिंट करवा लो, बहुत सिंपल सी बात है। बट पहले आपको जेनरिक डब्बे लेने हैं, जो जनरल डब्बे होते हैं, आपको उसमें पहले पैकेजिंग पे कोई खर्चा नहीं करना है। आपको नॉर्मल आपको देखा होगा, देखिए जो छोटी छोटी पिज्जा कंपनीज होती हैं वो पिज्जा के बॉक्सेस लेती हैं बट उनमें उनका नाम नहीं होता है, वो जनरल पिज्जा के बॉक्सेस होते हैं। तो आप उस तरीके के पिज्जा बॉक्सेस को ले सकते हैं। अब उस बॉक्स में आपको बस सिल्वर फॉइल को बिछाना है और उसके ऊपर पराठों को रखना है और सिल्वर फॉइल ऊपर से भी डाल देना है ताकि वो कम से कम आपके 1 से 1.5 घंटे पराठे गर्म रहे। सिंपल सी बात समझ गए, पैकिंग आपको इस तरीके से करनी है, उन बॉक्सेस में अच्छा लुक आता है। इसके अलावा आपको मैं कहूंगा कि आपको सर्विंग के लिए बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करनी है, आपको ना ही सब्जी देनी है साथ में, ना ही दाल देनी है, कुछ नहीं देना है। आपके पराठे की फिलिंग इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उसके उस आपके पराठे के साथ में किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। आप प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रख लो अपने पराठे का बट क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक जगह पर मैंने पराठे खाए थे जिनका टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, उनकी सर्विंग का तरीका भी मुझे अच्छा नहीं लगा, हालांकि प्राइस उनका सस्ता था, वो 30 रुपए का पराठा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मैंने कार्ट में खाया था, 30 रुपए का एक पराठा था, 2 पराठे लिए मैंने सिर्फ 60 रुपए के आए, बट वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। बट मैंने जब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करना था सो मैंने फिर पराठा जंक्शन से ऑर्डर किया जहां पर मुझे 117 का मिला था, क्योंकि उनके पराठे की क्वालिटी, बटर की टिक्की उन्होंने मुझे साथ में दी थी जो कि मैं बताना भूल गया था, एक बटर की टिक्की भी साथ में आई थी अमूल की। सो इस तरीके से आपको भी देखना है, आप प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रखो बट क्वालिटी से किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। इसके अलावा आप इसको जब कार्ट में करते हैं तो आपको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको सबसे पहले मेकिंग दिखा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। हम पहले मेकिंग देख लेते हैं पराठे की, आपको किस तरीके से करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको इक्विपमेंट कौन से लेने, कौन कौन सी छोटी छोटी मशीन्स आपको लेनी पड़ेंगी और किचन इक्विपमेंट बेसिकली कौन से लेने होते हैं और साथ में आपको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम क्लिप देखते हैं कि आपको बनाना कैसे है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अकेली फीमेल, एक अकेली हाउसवाइफ एक पराठे के कार्ट को चला रही है। इनफैक्ट दोस्तों इंडिया में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्ड्स हैं जो हाउसवाइफ्स, जो फीमेल्स वुमेन्स चलाती हैं, काफ़ी कम होती हैं जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, बट अकेले वो अपने कार्ड को चलाकर अपने घर का गुजारा करती हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अकेले पराठे को बना रही हैं, खुद ही बेल रही हैं, खुद ही फिलिंग बनाती हैं, खुद ही फिलिंग को फिल करती हैं और खुद ही सेक कर पराठों को सर्व करती हैं। इस तरीके से आप सिल्वर फॉइल में भी सर्व कर सकते हैं पराठे को, और अगर मैं बात करूँ तो ये 25 रुपये में पराठे को सर्व करती हैं, सिंगल पराठे को, काफ़ी चीज़ों के साथ। आप देख सकते हैं रायता, सब्जी, चटनी, अचार और सलाद के साथ ही सर्व करते हैं। आप देख लीजिए क्लोज लुक, तो इस तरीके से साथ में सेव भी देती हैं। सो ये पूरी प्लेट है, 25 रुपए का एक पराठा देती हैं। सो आप डिपेंड करता है प्राइस आपका लोकेशन और पराठे की क्वालिटी पे। अब इसके अलावा देखिए ये भी एक फीमेल है जो अकेले कार्ट को चला रही हैं। अब ये आलू के इस तरीके से मिश्रण को बना रही हैं। जब आलू की फिलिंग मतलब पराठे की फिलिंग तैयार हो जाएगी तो उसके बाद वो दूसरे बाउल से आटे को निकालेंगी। आटा देखिए अब ये रोल बना रही है, आटे का लोई बनाने के बाद उसको हल्का सा बेलेंगी, उसके बाद इसमें आलू का मिश्रण डाल के इसको रोल करेंगी। तो ये पराठा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने कभी काम नहीं किया, बट अगर आप कुछ एक दिन की प्रैक्टिस करते हैं सो आप आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद ये पराठे को सेकती हैं अच्छे तरीके से ऑयल में, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप ऑयल लगा रहे हैं पराठे में तो आपको इस तरीके का स्टील का मोटे मुंह वाला बर्तन रखना ताकि आप आराम से जो पलटा है उसको ऑयल में डिप करके मतलब कंटेनर में और सीधा आप उसको ऑयल लगा सकते हैं ताकि आपका फास्टनेस आती रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए दाल, अचार और दही के साथ सर्व कर रही हैं। सो आप अपने एरिया में किसके साथ सर्व करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये पनीर पराठा बनाने के लिए पनीर की फिलिंग रेडी कर रही हैं, पराठे की। सो इस तरीके से आप पनीर में बस हरा धनिया मिलाओ और कुछ एक मसाले अगर आप चाहो तो मिला सकते हो, उसके बाद बस वो सेम प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं, पर पनीर को डाला और उसका रोल बनाकर इसको बेल कर सेक कर पनीर पराठा रेडी हो जाएगा। बट अब दिखाता हूँ मैं आपको ये गजब की चीज़, इस तरीके से फिलिंग आपको करनी है, ऐसी फिलिंग करनी है
है ऐसी क्वालिटी का पराठा बना के देना है कि जैसा किसी ने कभी खाया ना हो इतनी फिलिंग के साथ। तो आपको इस तरीके से बड़े बड़े बाउल रखने हैं स्टील के, जिसमें आपको फिलिंग बनाकर रख लेनी है। अगर आपका काम बहुत तेजी से चल रहा है तो आपको एक स्टाफ रख लेना चाहिए जो आपकी हेल्प करता रहे, चाहे वो फिलिंग बनाने में चाहे वो किसी भी चीज़ में बैकएंड पे वो काम करता रहे। तो आप देख लीजिए, आपने एक बाउल में आलू का मिश्रण रेडी कर लिया, दूसरे बाउल में आपने प्याज का कर लिया और तीसरे में आपने पनीर का कर लिया। इस तरीके से आप रख सकते हो और फिर आप चाहे डोसे के तवे में सेको अगर आपके पास बहुत भीड़ आती है, या फिर आप डोसे के तवे में हल्का सेकने के बाद उनको छोटे तवे में बटर, ऑयल, घी, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगाकर सर्व कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिज़्ज़ा बॉक्सेस आपको यूज़ करने, तो आप इस तरीके से बॉक्सेस बनवा सकते हो। कस्टमाइज बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में आप किसी भी नाम से यूज़ करो, जब जैसे जैसे आपका बिजनेस चल जाए फिर अपने नाम से बना सकते हो। ऐसे देखो, आपको बाउल में सब कुछ रखना है, पनीर हो गया, आपका प्याज का मिश्रण हो गया, आलू का मिश्रण हो गया। अब जब इस तरीके से आप सर्व करेंगे, सर्व करने के लिए देखिए, आपको मैंने बताया आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व करो और अचार के साथ सर्व करो। इसके अलावा जो बटर और दही है वो आप अलग से कॉस्ट कर सकते हो, चार्ज ले सकते हो। बटर की टिक्की 20 रुपये चार्ज कर लो आप, और जो दही है वो भी 20 रुपये चार्ज कर लो। जिस कस्टमर को भैया चाहिए होगा वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए होगा वो नहीं लेगा। अब मैं इसको तोड़ के देख लो, आप इस तरीके की फिलिंग करनी है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े पराठे के साथ भाई, इस तरीके की फिलिंग। तो आप चाहो तो बटर में बना सकते हो, घी में बना सकते हो, और पराठे का चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो। साथ ही में दोस्तों, हो सकता है कि इस बिज़नेस की शुरुआत में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम सीखना चाहें और ना सीख पाएं। तो कुछ दिन की मेहनत के बाद, कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे पराठे बनाना सीख सकते हैं और एक अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। एक प्रो टिप यहाँ पर मैं दे दूँ आपको, जो छोटी सी है, अगर आप पराठे का जब आटा गूंदते हैं तो वो आटा आपका सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट आटा आपको नहीं गूंदना। जब सॉफ्ट आटा आप गूंदेंगे तो डेफिनेटली आपकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए इस तरीके से आप अपने थोड़ी से प्रैक्टिस करने के बाद इस अच्छे से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको दो मशीन्स दिखा देता हूँ, हालांकि आपको ये मशीन्स लेनी नहीं है, बट मैं आपको फिर भी नॉलेज में डाल दे रहा हूँ कि जब आपका काम बढ़ने लगेगा तो आप इस तरीके की मशीन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आती है पोटैटो पीलर की मशीन, जो कि आलू छीलने वाली मशीन होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप ये मशीन भी ले सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग में नहीं लेनी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको आटा गूंदने वाली मशीन मिल जाएगी, जो आपका आटा नीडिंग मशीन होती है, आप ये भी ले सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे भाइयों के आते हैं कि सर ये मशीन हम कहाँ से खरीदें। सो यहाँ पर मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी सप्लायर का आपको नाम बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन में इंडिया मार्ट की ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर आपको सिर्फ डालना है आटा नीडिंग मशीन। आपको काफ़ी सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे और मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो सस्ता दे रहा है आप उससे कॉन्टैक्ट करो, बात करो, बार्गेन करने की कोशिश करो और उसके बाद उससे ले लो, और कोशिश करो कि आप अपने नियरेस्ट सप्लायर से लो। इसके अलावा पोटैटो पीलर मशीन आप चेक करेंगे, वो भी आपको इंडिया मार्ट पे मिल जाएगी, सो आप इजीली वहां से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक छोटे इक्विपमेंट्स के बारे में कि आपको अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं। अब देखो, ये सारी चीज़ें बताने पे मुझे पता है वीडियो मेरा लंबा हो रहा है और व्यूज़ कम आएंगे, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका काम तो आसान हो जाएगा, आप कोई चीज़ भूलेंगे तो नहीं। और आप इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले लिस्ट बना लो, एक कॉपी पेन ले लो और उसमें सब कुछ नोट डाउन कर लो, ताकि आप बिजनेस की शुरुआत में कुछ भी भूलो ना, क्योंकि आपको पैकिंग मटेरियल भी यहाँ पर खरीदना है, आपको इक्विपमेंट्स भी खरीदने हैं, आपको छोटे छोटे किचन प्रोडक्ट्स भी खरीदने हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। आप हो सकता है कि अपने जो टेक अवे ऑर्डर्स हैं उसमें आप सॉस के सैशे भी दे रहे हैं, केचप के सैशे दे रहे हैं, तो वो सैशे का बॉक्सेस भी आपको खरीदने होते हैं। इसके अलावा आप जो पिकल के सैशे आते हैं वो आपको देने पड़ सकते हैं। आप दही किस तरीके से सर्व करने वाले हैं, आप वेरका का छोटा बॉक्स दे रहे हैं सर साथ में, या अमूल का डब्बा दे रहे हैं साथ में, या आप कार्ट में जब कर रहे हैं तो आप देखिए, कार्ट में अगर आप कर रहे हैं तो आप बटर की टिक्की और जो लस्सी और दही है उसको आप सेपरेट रखो, आप उसको प्लेट में काउंट मत करो, उसको अपना पराठे के प्राइस में काउंट मत करो और पराठे के साथ सर्व भी मत करो। जिसको चाहिए वो एक्स्ट्रा लेगा, ताकि आपकी इनकम भी एक्स्ट्रा जनरेट हो वहाँ से और आपका दही और लस्सी भी बिके। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप पराठे का बिजनेस कर रहे हैं, ये गर्म प्रोडक्ट होता है, सर्दियों में लोग खाना प्रेफर करते हैं और गर्मियों में भी लोग खाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप लस्सी और जो आपका छाछ होती है वो रख सकते हो, या लस्सी और दही तो डेफिनेटली आप रख सकते हो, बूंदी रायता बेसिकली। तो कुछ लोग मीठा खाना प्रेफर करते हैं, मीठा दही उन्हें पसंद होता है, तो आप उनके लिए लस्सी रखो। आप लस्सी का प्राइस 20 से 30 कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये एक सब प्रोडक्ट है जो आपके पराठे के साथ सेल हो रहा है। सो आप 20 रुपए का भी ग्लास रख सकते हो, जिसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो और अच्छा शुगर ऐड करने के बाद आप उसको दही को भी दे सकते हो, लस्सी को दे सकते हो बेसिकली। और अगर आप अच्छी गाढ़ी क्वालिटी वाली लस्सी बना रहे हो तो आप 30-40 रुपए चार्ज कर सकते हो उसका भी। और साथ में अगर आप बूंदी रायता दे रहे हो तो आप 10 से 15 रुपए बूंदी रायते का ग्लास भी रख सकते हो, और साथ में अगर आप छाछ रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप जरूर रखो। अगर आप चाय रखना चाहते हो तो बिल्कुल रखो, अगर आप सर्दी में कर रहे हो तो सर्दी में आप इतना समझ लो, गर्मियों में आप पराठे के साथ में लस्सी और बूंदी रायता, और सर्दियों में चाय और कॉफ़ी, इस तरीके से आप रख सकते हो। तो आप फटाफट से हम देख लेते हैं आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, आपको सबसे पहले तो एक छोटी भट्टी चाहिए होगी, और भट्टी के साथ साथ आपको एक तवा लेना पड़ेगा, एक चकला लेना पड़ेगा, एक बेलन लेना पड़ेगा, आप इससे समझ सकते हो, और साथ में आपको एक चिमटा लेना पड़ेगा अपने पराठों को पलटा करने पलटने के लिए।
एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, काफी सारे लोग जो टिक्की वाला तवा आता है उसमें इसको बनाते हैं पराठों को, ताकि वो ज्यादा जब भीड़ आती है तो उनके लिए वो ज्यादा पराठे एक बार में उतार सके। और काफी सारे लोग डोसे के तवे में बनाते हैं, वहां पर पराठा आपका जलता नहीं, क्योंकि उस तवे का जो तवा होता है वो काफी मोटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसा किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको चार बड़े बर्तन लेने होंगे, स्टील के कंटेनर लेने होंगे, जिसमें आप अपना मिश्रण बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक में आपका आलू का मिश्रण रहेगा, एक में आपका प्याज का रहेगा, एक में आपका आलू प्याज मिक्स करके आप रख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली उससे भी ले सकते हो, आलू थोड़ा सा डाल लिया, थोड़ा सा प्याज डाल लिया, और एक में आपका पनीर और प्याज मिक्स रहेगा। इसके अलावा आपको दो मटकी रख सकते हो आप, या फिर आप स्टेनलेस स्टील कंटेनर रख सकते हो, जिसमें कि आपको लस्सी और रायता रखना होगा, ताकि वो ठंडा रहे और अच्छी क्वालिटी उसकी बनी रहे। इसके अलावा आपको एक स्टेनलेस स्टील का चौड़े बर्तन वाला कंटेनर रखना पड़ेगा तेल के लिए, ताकि आपको भैया तेल निकालने में किसी तरीके से दिक्कत ना आए। आप तेल रख रहे हो, आप ऑयल मतलब बटर रख रहे हो, आप डालडा घी रख रहे हो, जो भी आप रख रहे हो वो स्टील के कंटेनर रख रहे हो, और साथ में आप उसका एक पलटा होना चाहिए जिससे आप पराठों के ऊपर ऑयलिंग करोगे। इसके अलावा दोस्तों आपको सर्विंग के लिए स्टेनलेस स्टील के आप प्लेट्स यूज़ कर सकते हो, जिसमें अलग अलग खाने बने होते हैं, ताकि आप सर्विंग के लिए आपको अलग अलग बाउल ना लेना पड़े, या फिर आप डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको डिस्पोजेबल ग्लासेस चाहिए होंगे, और साथ ही में स्पून एंड पेपर नैपकिन्स चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, टेक अवे करने के लिए आपको केचप के सैशे चाहिए होंगे, आपको पिकल के सैशे चाहिए होंगे, अचार के सैशे चाहिए होंगे, और साथ ही में आपको चटनी पैक करने के लिए डिस्पोजेबल बॉक्सेस आते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके के, आप ये बॉक्सेस ले सकते हो, आप इनमें पैक कर सकते हो। और साथ ही में आपको माउथ फ्रेशनर के पैकेट भी रखने होंगे, एक एक रुपए वाले आते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इससे आपका एक इंप्रेशन अच्छा आता है, जब कोई आपका पैकेज खोलेगा, फूड आपका ऑर्डर खोलेगा तो उसको अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप पेपर नैपकिन साथ में ज़रूर सर्व करो, और साथ में अगर आप चाहो तो एक अमूल की या वेरका की बटर की टिक्की 10 से 20 रुपए वाली चार्ज करो, उसमें टेक अवे ऑर्डर्स में ज़रूर भेजो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ एक रॉ मटेरियल्स की, तो यहाँ पर आपको आलू का मिश्रण बनाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आलू आपको चाहिए, उनको बॉईल करने के बाद आपको उसमें मसाले ऐड करने हैं, किचन किंग, कुछ लोग साबुत धनिया ऐड करते हैं, कुछ लोग इसमें हरा धनिया ऐड करते हैं, और कुछ लोग अनारदाना पाउडर भी यूज़ करते हैं। सो आप देख लो कि आपको आलू का मिश्रण कैसा बनाना है। इसके अलावा आपको प्याज चाहिए होगा, इसके अलावा प्याज में भी आपको हल्का सा सौते करना है प्याज को, और उसमें मसाले डालने हैं, इस तरीके से आपको प्याज का मिश्रण बनाना है। इसके अलावा जो आपका पनीर है उसका भी मिश्रण आपको इस तरीके से बनाना है, आपको पनीर को बस हल्का सा बटर में सौते करना है, और उसमें मसाले डालने हैं, धनिया पाउडर डालना है, और अगर आप चाहो तो हरे मटर डाल सकते हो, बस इस तरीके से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। इसके अलावा आपको दही चाहिए होगा बूंदी रायता बनाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए, वो आप अपना रेडीमेड भी खरीद सकते हो, या फिर आप खुद से बना सकते हो, और साथ में आपको बूंदी चाहिए होगी। इसके अलावा आपको ग्रीन चिली चाहिए होगी, लेमन चाहिए होगा, अदरक और लहसुन चाहिए होगा चटनी बनाने के लिए, हरी चटनी अगर आप बना रहे हो तो। अब वो डिपेंड करता है कि आप भैया गुड़ इमली वाली चटनी सर्व करते हो या हरी चटनी साथ में सर्व करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको कहूँगा कि चटनी के साथ ज़रूर सर्व करें आप, दाल सब्जी कुछ मत दो पराठे के साथ, बट आपकी फीलिंग इतनी हैवी होनी चाहिए कि इस तरीके की फिलिंग का पराठा किसी ने कभी ना खाया हो। इसके अलावा आपको सिल्वर फॉइल चाहिए होगा पराठे को पैक करने के लिए, और अगर आप चाहो तो जो प्लेट में आप सर्व कर रहे हो शॉप पे अपनी, वहाँ पर भी आप नीचे सिल्वर फॉइल रख सकते हो। साथ ही मैं आपको भैया मैं एक प्रो टिप यहाँ पर दे दूँ, आपको सिल्वर फॉइल ही यूज़ करना है, आपको मतलब जो अखबार होता है, आपके बच्चे की पुरानी कॉपी आप ले आए हो, नोटबुक ले आए हो, उसको पेपर फाड़ फाड़ के पराठे सर्व कर रहे हो, ये थर्ड क्वालिटी वाला काम नहीं चाहिए, ऐसा काम मत करना। थोड़ा सा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप 10 रुपये पराठे का प्राइस ज़्यादा रख लो और बट क्वालिटी सर्व करो, तो सिल्वर फॉइल आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए काफ़ी जगहों पर जब मैंने विजिट किया तो मेरे को एक चीज़ पता चली, काफ़ी लोग क्या करते हैं आलू का पराठा बनाने के लिए आटा और मैदा मिक्स करते हैं। इसके दो फायदे होते हैं, सबसे पहला कि भैया जो पराठा बनता है वो वाइटिश कलर में आता है, थोड़ा मतलब उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, और साथ में दूसरा फायदा ये होता है कि वो बनाने में थोड़ा सा ना मतलब फटता नहीं है, बट इसका नुकसान भी है यार, मैदा लोग खाना प्रिफर नहीं करते हैं हर बार। सो आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप आटा ही यूज़ करो, प्योर आटा यूज़ करो, और मिलावट वाला तो काम करना भी नहीं है भाई। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अपने बिजनेस को आप अपने जो पराठे हैं उनको फ्रोजन कर सेल करें, तो यहाँ पर आपको फिर काफ़ी ज़्यादा लेबर रखनी पड़ सकती है, क्योंकि फिर आपको पराठों को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा, उनको फ्रीज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको उन्हें फ्रोजन स्टेज में ही सेल करना पड़ेगा, फ्रोजन स्टेज में ही एक से दूसरी जगह पहुँचाना पड़ेगा। सो अगर आपका ये बिज़नेस अच्छे से चलता है तो फिर आप धीरे धीरे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करिए, आप फ्रोजन पराठों में भी डील कर सकते हैं, या अपने बिज़नेस को फ्रेंचाइजीज पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपने खुद के आउटलेट भी चला सकते हैं, और फ्रेंचाइजी में चलाने के बाद भी आपका एक प्रोसेस बिल्ड हो जाएगा, आपके पराठा इस तरीके से बनना है और इतने ऑयल में ऐसे करके वो कुक होना है, तो वो सब सिंपल मेथड हो जाता है,
आपका मेन काम होता है पराठे की मेकिंग का, जो आप ऑलरेडी बनाकर पैकेट में पैक कर उसको फ्रोजन स्टेज में ला रहे हैं, और फ्रोजन स्टेज में लाने के बाद उसको आप अपने फ्रेंचाइजी आउटलेट्स पर डिलीवर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 10 आउटलेट्स यहां पर बन रहा है और सबको डिलीवर हो जा रहा है। मेकिंग सबकी सेम है क्योंकि पराठा सबका टेस्ट सेम आएगा, क्योंकि पराठा एक ही यहां यूनिट में बन रहा है, एक ही तरीके से बन रहा है, एक ही रेसिपी को फॉलो करके बन रहा है, और सेल सब में हो रहा है, बट टेस्ट सबका सेम आएगा क्योंकि बन एक जगह रहा है, आ एक जगह से रहा है। सो आपके जितने भी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं वो आराम के साथ में काम कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर किसी भी तरीके कोई हैक्टिक प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, और ना ही आपको बिजनेस के बीच में मिडिल में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि प्रोसेस बिल्ड है आपका। तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा कि आपका पराठा किस तरीके से बनेगा, आटा किस तरीके से गूंदा जाएगा, मतलब 5 किलो आटे में कितना वाटर डालना है, ऑयल डालना है या नहीं डालना है, उस तरीके से आटा कितनी देर तक नीडिंग मशीन में रहेगा, नीडिंग मशीन से निकालने के बाद आटे को कितने टाइम के लिए रेस्ट मोड पर रखना है, रेस्ट मोड में रखने के बाद कैसे पराठे को मेकिंग करनी है, आलू का मिश्रण किस तरीके से बनेगा, कौन कौन से उसमें आपको मसाले डालने हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स डालने हैं, ये सब कुछ करना है आपको। एक बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा। जब वो प्रोसेस बन जाएगा, बनने तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब वो प्रोसेस बन जाएगा उसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा, आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पराठे बनेंगे और आपके काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल फ्रेंचाइजी आउटलेट्स में वो डिलीवर हो जाएंगे, और आपके सारे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स में सेम टेस्ट आएगा, चाहे वो फ्रेंचाइजी आपकी आउट ऑफ सिटी क्यों ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं आप एक लाइक कर, और अगर आप चैनल पर नए हैं अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस पूरी डीप रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।